How are you all? I hope you are fine. We are taking chapter number 6, Feast of the Dead. Uh, we have read first page of this chapter already. And today we are going to take it further and learn it further in the second video. So let's start now. Yes, let's start. The first day, the food stopped. द कैप्ट ऑफ देयर हॉप्स टिल नोन रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड द फुट इस्टेप आउट साइड पहले दिन जब भोजन रुक गया आना द कैप्ट ऑफ देयर हॉप्स तो उन्होंने बना रखी थी अपनी उम्मीद दोपहर तक कि वो सोच रखे थे कि दोपहर तक कोई ना कोई आकर उन्हें भोजन दे जाएगा रनिंग टू द डोर ईच टाइम वो हर बार दौड़ कर दरवाजे के पास जाते दे हर्ड द फ़ुट स्टेप आउटसाइड जैसे उन्हें कदमों की आवाज़ बाहर सुनाई देती बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट दे डेली लाइफ्स लेकिन ये लोग हुआ करते थे जो जाया करते थे अपने डेली लाइफ्स के लिए मतलब जो रोज़ दिन के काम के लिए जो लोग जाया करते थे उन्हीं की आवाज़ थी एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड मतलब कि भोजन के समय उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी नहीं आने वाला लेकर उनके लिए फूड सो दे हैड टू कुक एट होम इसलिए अब उनको घर पर ही पकाना पड़ा भोजन एज दे हैड डन बिफोर जैसा कि वो पहले क्या करते थे तो पहले जिस प्रकार से वो खाना घर पे बनाए करते थे उसी प्रकार से आज उनको घर पे ही बनाना पड़ा दे हैट गॉट यूज टू क्वाइट गोट यूज़ टू क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ़ फ़ूड डूरिंग द पास्ट फ्यू डेज एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द मिर्स डिस गुलनास कु हार्डली ट्रेस ऑफ बटर दे हैड गॉट यूज टू क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड यूज टू का मतलब उनको आदत हो गई थी क्वाइट डिफरेंट कम बिल्कुल अलग प्रकार के भोजन की ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डेज़ पिछले कुछ दिनों से एंड फाउंड इट डिफिकल्ट और इसे बिल्कुल कठिन पाया उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना इतने कम भोजन के साथ में मिर्च डिश के साथ में जो गुलनाज ने पकाया था बड़ी मुश्किल से ठीक है सॉरी पकाया था विथ हार्डली अ ट्रेस ऑफ बटर कि मतलब उसमें मुश्किल से ही बटर का कोई नामो निशान मिलेगा आपको देट नो चॉइस दे हैड नो चॉइस अब उनके पास में कोई दूसरी चॉइस ही नहीं थी वो बट टू गेट यूज़ टू इट अगेन इसके आदि होने के सिवा मतलब इनको वापस से यूज़ टू होना था इसी भोजन के इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस उनके पास में नहीं थी इट वॉज़ नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट ऑफ बटर फ्लोर पटेटोज ग्रेन की मतलब कि ज़्यादा समय हुआ ही नहीं कि उससे पहले उनके यहाँ पर भी रन आउट हो गया रन आउट का मतलब ख़त्म हो गया मतलब कि तेल घी ख़त्म हो गया आटा ख़त्म हो गया जो पटेटोज मतलब आलू और जो अनाज है सब कुछ खत्म हो गया उनके घर पे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर फाउंड इन द हाउस अगले कुछ दिनों तक उन्होंने वो खाया जो भी उनको मिल गया घर के अंदर टू ऑनियंस अ क्लाव ऑफ गार्लिक अ हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ अ कप बॉर्ड ठीक क्या कहें दो प्याज एक जो लहसुन है लहसुन की क्लॉ क्लॉ का मतलब जो लहसन की जो घाट होती है वो अ हैंडफुल ऑफ़ ड्राई बीन्स मतलब मुट्ठी भर सूखे जो बीन्स है वो फाउंड इन अ कॉर्नर ऑफ द कप बोर्ड जो कॉर्नर बोर्ड के कप बोर्ड में पाया गया फाइनली देर कैमर डे आखिरकार वो दिन आ गया वेन ऑल द पोर्ट्स बास्केट्स बॉटल बॉक्सिस इन द हाउस वर एम्पटी कि आखिरकार वो दिन आ गया जब सारे जो पोर्ट्स से पोर्ट्स का मतलब बर्तन बास्केट्स का मतलब कटोरियाँ बॉटल बॉक्सिस सबके सब खाली हो गए मतलब तो खाने को कुछ नहीं बचा था डेड डे फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार उस दिन दे वेंट टू बेड ऑन एंटी बिस्तरों पर खाली पेट खाली पेट सोए उस दिन वो नेक्स्ट नेक्स द नेक्स्ट डे वॉज द सेम अगला दिन भी वैसा ही था बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विथ हंगर कि जो छोटा वाला लड़का था वो शुरू हो गया क्राई करना रोना भूख के कारण गुलनाज समवन वुड सेंड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉज बट द पीपल ऑफ स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इन कंसिडरेबल टू कॉल हर फॉर वर्क गुलनास कैप्ट जो गुलनाज है उसने उम्मीद लगा रखी थी कि कोई ना कोई क्या करेगा उसे बुला लेगा किस लिए कपड़े वॉश करने के लिए बट द पीपुल बट द पीपुल बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट लेकिन जो लोग थे कहाँ के स्ट्रीट के गलियों के थाट उन्होंने सोचा इट वुड बी इनकन्सिडरेट कि ये इनकन्सिडरेट होगा गलत होगा टू कॉल हर फॉर वर्क उसे काम पे बुलाना कि इस वक्त उनके घर में जैसे कि मृत्यु हो रखी थी सब सोच रखे थे इस वक्त उसको काम पे बुलाना सही नहीं होगा जबकि गुलनाश सोच रहे थे अगर कोई उसे काम पे बुला ले तो कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकती थी लेकिन जो रास्ते के जो लोग थे जो गली के जो लोग थे वो कुछ अलग ही सोच रहे थे कि ये गलत होगा उसे अभी काम पर बुलाना द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस थाट ऑफ गेटिंग अप मतलब दे द डे आफ्टर उस दिन के बाद में किसी ने भी नहीं मतलब कोई भी घर में नहीं सोचा जो हाउस होल्ड है उसमें किसी ने ये नहीं सोचा ऑफ गेटिंग अप उठने की मतलब कि उठने की किसी ने सोचा ही नहीं दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड सब के सब विज़न देख रहे थे सपना देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ किसका भोजन का मतलब जैसे भी भोजन मिल जाए बस मिल जाए द यंगर बॉय बॉयज सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड द ओल्डर बॉय ऑर स्वीट्स इन स्ट्रीट्स कि जो यंगर बॉय था जो छोटे वाला लड़का था वो मतलब मुलायम मुलायम फूली हुई जो ब्रेड है वो देख रहा था जबकि जो बड़ा लड़का था उसको मिठाई देख रही थी इसके बजाय इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर वो सोचते थे कि उन्हें खाने को बस एक बार और मिल जाए ई वुड ईट देम वन बाई वन कि वो उन्हें एक एक करके खाएंगे सवरिंग ईच माउथ फुल की कहने का मतलब कि हर माउथफ फुल को वो याद रखेंगे स्मरण में रखेंगे वॉट आ फूल ही एट बीन टू हैव इटन ऑल हिज शेयर एट वंस कि वो कितने फूल है कितने मुर्खे कि वो एक ही बार में खा गए अपने हिस्से का पूरा खाना नेक्स्ट गुलनाज ले इन हर बेड गुलनाज लेटी हुई थी अपने बेड के अंदर बिस्तरों में लिसनिंग टू द ममर्स चिल्ड्रन और सुन रही थी ममर बुध बुधाना किसका अपने बच्चों का टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स और जो टर्स है वो चुपचाप उसकी आंखों से बह रहे थे वेंट ऑन स्ट्रीट ऑन इन स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर और जो जिंदगी है वो चल रही थी गली के अंदर बाहर पहले की जैसे मतलब कि गली में जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था गली की जिंदगी में वो पहले की तरह ही थी बस इनके जीवन में बदलाव आया था जो गलनाज का जो हस्बैंड है ठीक है जब वो मर गया तो अब उनको दिक्कत आने लग गई किसके अंदर कि खाना वो किस प्रकार से खाए क्योंकि कुछ दिन तो भोजन आ गया पड़ोस से लेकिन उसके बाद भी किसी ने पड़ोस से भोजन नहीं भेजा अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ पकाने के लिए और वो सोचे कि कोई ना कोई बुला ले उसे कपड़े वॉश करने के लिए जिससे उसके पास कुछ पैसा है और वो भोजन की व्यवस्था कर पाए एज डोर क्लोज जैसे दरवाजा बंद हुआ सी न्यू इट वॉज़ द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल मतलब उसको दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई बाहर से तो वो समझ गई कि ये लड़का है सामने वाले घर का जो कि स्कूल जा रहा है फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड कदमों की जो आवाज है वो बाहर सुनाई दी दिस टाइम इट वॉज तसीन एफ इस बार कौन था तासीन एफ जो कि नाई था बार बार था वॉकिंग डाउन टू द स्ट्रीट टू ओपन ही शॉप वो गली में से चल कर जा रहा था अपनी शॉप को ओपन करने के लिए नेक्स्ट द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क और अगला वाला जो व्यक्ति था वो क्लर्क था इन द इलेक्ट्रिक कंपनी जो किसके अंदर था इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर दैन द शू मेकर एंड द द्रेडमेन उसके बाद में शू मेकर और उसके बाद में ब्रेडमैन ये जो लोग है वो आ रहे थे हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरीडे जो ब्रेडमैन है जो ब्रेड देने वाला व्यक्ति है वो रोज़ आया करता था वाइट हाउस के अंदर एट द सेम टाइम इसी वक्त द बिग बास्केट टाइट टू द बॉस साइड ऑफ द हॉर्स और जो बड़ी बड़ी बास्केट थी बास्केट ठीक है ना टोकरियाँ बास्केट जानते हो आप सब क्या होती है बास्केट टोकरी तो जो बड़ी बड़ी जो बास्केट्स थी वो बंद हुई थी दोनों तरफ ऑफ़ इज हॉर्स किसके उसके हॉर्स के और फुल ऑफ ब्रेड जो कि फुल तिक्स से ब्रेड से द क्रैकिंग ऑफ बास्केट्स कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे और जो क्रैकिंग ऑफ बास्केट मतलब कि जो बास्केट की खोलने की जो आवाज़ है वो सुन सकते थे दूर से भी मतलब कि बास्केट को जो खोल रहा था उसकी क्रैकिंग की आवाज़ जो थी वो दूर तक आ रही थी इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट कि ये ओल्डर लड़का था बड़ा लड़का था जिसने उसे पहली बार सुना बाद मत करना ओके इट वॉज़ द ओल्डर बॉय ये ओल्डर बॉय था वो फर्स्ट हर्ड इट जिसने इसकी आवाज पहले सुनी लुक टूवोर्ड्स इज यंगर ब्रदर और उसके बाद वो अपने छोटे भाई की तरफ तो देखने लगा गुलनास गोटक इन द कोल्ड रूम उस ठंडे कमरे में गुलनास खड़ी हो जाती है पुट इज रेप राउंड हर टू गो आउट और जो रैप कर लेती है अपने आप को कुछ कपड़ा डाल लेती है ताकि आ, आ, कुछ कपड़े लपेट लेती है ताकि वो बाहर जा पाए सी आर डिसाइडेड टू आस्क फॉर टू लफ्स ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट और डिसाइड कर लेती है कि वो क्या करेगी दो ब्रेड के दो लफ्ज़ दो इससे मतलब कि दो ब्रेड मांग लेगी लफ्ज़ का मतलब है जो ब्रेड का जो हिस्सा होता है उसको लफ्ज़ कहा जाता है एक पार्ट जो होता है ब्रेड का उसको लफ्ज़ कहा जाता है तो उसने डिसाइड किया कि वो ब्रेड के दो दो ब्रेड मांग लेगी उधार ऑन क्रेडिट सी कुड पे वन सी गॉट मनी और वो पे कर देगी चुका देगी कब जब उसके पास पैसे आएंगे फ्रॉम लॉन्ड्रिंग कपड़े धोने के बाद कपड़े धोने के बाद सी ओपन द डोर उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड सो द बास्केट फुल टू ब्रीम और उसने क्या देखा कि जो बास्केट है वो फुल भरी हुई ऊपर तक विथ फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड किसे स्पंजी मुलायम मुलायम दार जो सफ़ेद ब्रेड है उससे भरी हुई थी अब ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोस और एक जो अच्छी सुगंध है वो उसके नाकों तक जा रही थी जस्ट ऐसी वोस अबाउट टू से मानो कि वो कुछ कहने वाली हो उसे टू द ब्रेड मैन जब वो ब्रेड मैन को कुछ कहने ही वाली थी उसी समय जो ब्रेड मैन है वो चिल्लाने लगा ग्रीडी अप टू हॉर्स मतलब कि उसको हॉर्स को कह रहा था कि सही खड़े रहो वो इस प्रकार से आवाज़ कर रहा था और जब उसने घोड़े को डांटा गिडी अप तो गुलनाज जो है लो सड़क करी गुलनाज अपना जो साहस है वो खो चुकी थी मतलब जैसे उसने घोड़े को डांटा वो उससे ब्रेड मांगने की लगी थी उसी दौरान तो उसने घोड़े को क्या किया डाटा गिडियप बोलकर जो गुलनाज जो है उसने अब जो करे जो जो साहस है दिया नो वर्ड कैम नो वर्ड्स कैम फ्रॉम हर माउथ कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकले हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर नोज और जो मतलब कि ईश्वर जिससे खुशबूदार जो भोजन है जो स्वर्ग के भोजन के दार जो खुशबूदार भोजन था वो पास्ट बाय हर हाउस उसके घर के सामने से निकल गया बट सी could नॉट स्ट्रेच आउट लेकिन वो अपने हाथ फैलाकर उसे ले नहीं पाई टय किट का मतलब ले नहीं पाई. मतलब बाहर उसके सामने से जो अच्छा भोजन था सुगंधित भोजन था वो निकल गया लेकिन वो उसे ले नहीं पाई. अब देख ले. सी कैम इन साइड बट डिट नॉट लुक इन टू द फीवर्ड आइस अब वो अंदर आ जाती है ठीक है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो देख पाए किसके अंदर वो जो कमज़ोर और बुखार वाली जो आँखें अपने बेटों की मतलब इतने दिन से कुछ खाया नहीं तो फीवर्ड बोला गया है कि ठीक है तो वो हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटों की आंखों में देख सकें जो कि इंतज़ार कर रहे थे होपफुली उम्मीद पूर्ण की मम्मा कुछ खाने को ले आएगी नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम किसी ने कोई शब्द नहीं बोला कोई शब्द नहीं बोला गया कमरे के अंदर द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड और जो बॉयज़ है वो सिंपली क्या कर रहे थे लुक्ड एट का मतलब देख रहे थे किस और खाली हाथों की ओर और टर्न देयर आइज अवे और फिर अपनी आंखों को उन्होंने फेर लिया इट वॉज लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉइज ब्रॉक द साइलेंस मतलब काफ़ी देर बाद में जो छोटा वाला लड़का है उसने चुप्पी तोड़ी और कहता है क्या कहता है मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर मम्मा मैं इसे और सहन नहीं कर सकता समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी कि कुछ कुछ हो रहा है मेरी टमी के अंदर तो मम्मा बोलते डोंट वरी माई स्वीट सन मेरे प्यारे बेटे चिंता मत करो इट इज़ हंगर ये भूख है आई फील इट टू मैं भी इसको महसूस कर रही हूँ आई एम डाइंग आई एम डाइंग बच्चा बोल रहा है नहीं मैं मर रहा हूँ मैं मर रहा हूँ अब देखो छोटा सा बच्चा जो छः साल का उसकी हालत क्या होगी वो दो दिनों से भूखा है द ओल्ड बॉय ओपन हिज आइज जो बड़ा लड़का है वो अपनी आँखों को ओपन करता है आई लुकड एट हिज ब्रदर और अपने भाई की तरफ देखता है गुलनाज लुकड एट बोथ ऑफ़ तो देम गुलनाज दोनों लड़कों की तरफ देखती है द लिटिल बॉय वो साइलेंट छोटा वाला लड़का अब चुप था इस फेस वॉश डार्क कर उसका जो चेहरा है वो काला हो चुका था इस लिप्स ड्राई उसके होठ सूख चुके थे और पार्ट्स का मतलब कठोर हो चुके थे पपड़ी आ चुकी थी इस ब्लडलेस स्किन फेडिड एंड होलो और उसकी खून रही थी जो स्किन है अब वो धीरे धीरे अपना रंग छोड़ रही थी मतलब कि स्किन से भी कलर जा रहा था ग्लो जा रहा था और वो खोखले होती चली जा रही थी कमजोर होती चली जा रही थी आखिरकार गुलनाज बैकन टू द ओल्डर बॉय जो गुलनाज है उसने इशारा किया बड़े वाले लड़के को एंड देफ्ट द रूम टू ट आउट साइड और उसके बाद में उन्होंने कमरा छोड़ दिया ठीक है बाहर बात करने के लिए मतलब रूम से चले गए बाहर बात करने के लिए अब जो है वो लड़का बोल रहा है कि वी मस्ट गो टू बोडोज बोडोज जो है वो ग्रोसर का नाम है ये नाम है बोडोज किसका ग्रोसर ग्रोसरी नहीं बनिया कि हमको बोडोज के पास में जाना पड़ेगा जो कि क्या है बनिया है वी मस्ट आस्क फोर समराइस कि हमको क्या करनी पड़ेगी डिमांड करनी पड़ेगी मांगना पड़ेगा उससे कुछ कुछ तो राइस कुछ आटा कुछ पटेटो मतलब चावल आटा और पटेटो मांग के लेके आना हो, होगा उससे टेल हिम वी विल पे हिम इन फ्यू डेज उसे कह देना कि हम पे कर देंगे उसे कुछ दिनों के अंदर अंदर ही कि कुछ दिनों में उसके पैसे हम क्या करेंगे चुका देंगे उसे कह देना द बॉयज सेबी कोट वॉज अब नेक्स्ट देख लेते हैं द बॉयज सेबी कोट सेबी कोट का मीनिंग होता है फटा पुराना कोट कि लड़के का जो फटा पुराना कोट था वो इज़ नॉट हैवी वो इतना भारी नहीं था पर्याप्त भारी नहीं था टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड कि जो ठंड है उसको बाहर ही रख सके कि कहने का मतलब वो कोट इतना भारी है इतना अच्छा नहीं था कि उसमें ठंड ना लगे फटा पुराना था इसलिए उसमें ठंड लग रही थी जो कोल्ड थी वो बाहर नहीं रुक पा रही थी ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हीज़ लेग्स और उसके पैरों में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल और वो लगातार वॉल के सारे दीवारों के सारे वॉक करता हुआ चलता गया एक निश्चित चाल के साथ में गति के साथ में निरंतर स्टडी फाइनली ये रेज द स्टोर ऑन द हिल और आखिरकार वो स्टोर दुकान पे पहुंच जाता है जो कहाँ पे थी हिल के ऊपर पहाड़ी के ऊपर है एंटर द वॉम रूम और प्रवेश कर जाता है उस गर्म कमरे के अंदर ठीक है सर्दी का समय तो उसे अच्छा फील होता है जब वो गर्म कमरे के अंदर एंटर uh, करता है ही वेटेड अनटिल ऑल अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट और वो इंतज़ार करता है कब तक जब तक सभी कस्टमर क्या ना हो जाए चले ना जाए वो सोच रहा है कि सभी कस्टमर चले जाएंगे उसके बाद मैं इससे पूछूंगा होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेट प्राइवेसी और वो उम्मीद कर रहा था कि वो बात करेगा ग्रोसर से प्राइवेसी में प्राइवेसी का मतलब प्राइवेट रूप से जब कोई नहीं होगा तब बात करेगा टू इंजॉय द वॉम अ लिटिल लॉन्गर तब तक मैं थोड़ी बहुत और जो इन वार्म था गर्मी उसको थोड़ी देर और इन्जॉय कर लेता हूँ जब तक कि सभी कस्टमर नहीं चले जाते देन ही लेफ्ट इस प्लेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर अ पौंड ऑफ राइस अ पौंड ऑफ फ्लोर अ पौंड ऑफ पटेटो देखो पॉइंट का मतलब होता है चार सौ ग्राम ठीक है चार सौ ग्राम को वन पॉन्ड कहा जाता है इज दैट क्लियर तो अब देखिए क्या कहें देन ही लेफ्ट इज प्लेस बाय फायर साइड फायर साइड से अपनी जगह छोड़ता है मतलब पहले तो वो फायर साइड पर था मतलब आग के पास में था जहाँ पर वो गर्मी ले रहा था सर्दी के अंदर लेकिन अब वो गर्मी न लेते हुए अब उस जगह से हट कर वो डायरेक्ट अब ऑर्डर देता है किसको बनिया को क्या कहता है कि वन पाउंड ऑफ राइस अ पाउंड ऑफ राइस अ पाउंड ऑफ फ्लोर अ पाउंड ऑफ पटेटो मतलब चार सौ ग्राम चावल दे दीजिए चार ग्राम आटा और चार ग्राम आलू दे दीजिए ही पुट इज़ हैंड टू पॉकेट वो अपने जो हाथ है अपने पॉकेट में डालता है ऐसे ए फॉर मनी कि मानो कि वो पैसे ढूंढ रहा हो एंड देन प्रिटेंट टू हैव लेफ्ट इट एट होम और उसके बाद में प्रटेंट करता है बहाना बनाता है कि मानो कि वो घर पे भूल गया हो ओ आई सीम टू हैव फगोटन इट एट होम ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसको घर पे भूल गया मतलब पॉकेट में जेब डालता और फिर ऐसे एक्सप्रेशन uh, देता है कि वो पैसे घर पर भूल के आ गया तो वो क्या है कि ओह आई सीम टू हैव फगोटन एट इट होम कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसे तो घर पर ही भूल गया आई हैड हैड टू हैव टू गो ओल्ड द वे होम कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं अच्छा फील नहीं करूँगा वापस पूरे रास्ते घर जाऊँ इन द कोल्ड इस सर्दी में कम बैक आ जाऊँ और फिर वापस आऊँ राइट इट डाउन आई विल पे यू टू मोरो आप लिख लीजिए मैं कल पे कर दूँगा आपको इट वॉज़ अ ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड टू वेल ये बहुत ही अच्छा प्रयास था ब्रेव एफर्ट था बहादुरी वाला प्रयास था बट जो ग्रॉसर था ना वो सभी प्रकार की जो व्यापारी जो ट्रिक्स है चाल है वो अच्छी तरह से जानता था ओके okay, तो हमने ये देखा और जो ये पेज हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और नहीं आया तो इसको एक बार और देखिए आप आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा गुड बाय टेक केयर सेल्फ